करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा फेस सीरम का। और फ्रेंड्स, फेस सीरम यूज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके फेस को हाइड्रेट रखता है और आपके स्किन से जो नेचुरल जो ग्लो है वो खत्म होता जा रहा है ना डे बाय डे पॉल्यूशन में रहने से, उसको वापस लाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, मैं जिस सीरम की बात कर रही हूँ ना वो है मिक्सीफाई का अनलॉक फेस सीरम और ये स्किन ग्लो सीरम है तो आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और इसको मैंने करीब करीब 10 दिन से मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये। आप मेरे एक दो वीडियो में इसको यूज करते हुए देखा होगा क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए इसका रिव्यू वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद है, तो आपको पता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल की बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियोस को देख पाए। एंड फ्रेंड्स, ये जो सीरम है ये क्लेम करता है कि आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपकी जो डेड सेल है उनको रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन करता है। तो ये सीरम बहुत ही अच्छा है, इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी। एंड इसकी जो की इन्ग्रीडियंट है वहाँ मेंशन किया गया, आई मीन यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसमें ग्लिकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और विटामिन सी है इसमें और ग्लिसरीन है। एंड फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है ना, ये दोनों एसिड ही मेन इंग्रेडिएंट है इस फेस सीरम का और ये आपकी जो डेड स्किन होती है ना इनको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है ये दोनों एसिड। तो फिर इसका पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दिया, इसका MRP जो है वो है 499 रुपीज और इसमें आपको जो क्वांटिटी मिल जाता है वो है 30 ml। तो काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल साइज का तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन जो 30 ml का जो क्वांटिटी है ना काफ़ी दिन जाने वाला है क्योंकि ये 2 से 3 बूंद ही यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप इसको 2 से 3 बूंद ही अपने जो भी डेली का आपका क्रीम है, डेली का क्रीम है या फिर मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन है, इनमें उस 2 से 3 बूंद सीरम का डाल के मिक्स करके अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करें, मसाज करें और उसको वैसे ही रहने दें। तो आपको ये सीरम किसी भी क्रीम के संग ही बेसिकली अप्लाई करना है। अगर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ी सी इशनेस हो सकती है क्योंकि मैंने शुरू में इसे डायरेक्ट अप्लाई किया था ना तो स्किन थोड़ी सी इरिटेट फील हो रही थी, इसीलिए मैंने अच्छे से इसको पढ़ा, उसके बाद मैं अपने मॉइस्चराइजर के साथ इसे यूज़ करती हूँ या फिर नाइट क्रीम के साथ यूज़ करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। सो इसकी पैकेजिंग जब ओपन करते हैं ना तो आपको देख रहे हैं ना इस तरह का पैकेजिंग मिलेगा और उसके अंदर आपको ये सीरम मिल जाएगा और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही लग्जरियस फील होती है इसको हाथ में पकड़ने से। सो सारी तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आपको मैं सीरम दिखा देती हूँ। ये इस तरह का सीरम है, ड्रॉपर है, यहाँ पे आप ड्रॉपर से सीरम को ले सकते हैं, बस 2 से 3 बूंद लेना है। ये येलो कलर का सीरम है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, तो 2 से 3 बूंद लेना है। आप देख सकते हैं ये सीरम कैसा है, ऐसा आप देख सकते हैं और अपने क्रीम में अप्लाई करके आप इसे ये करें, आई मीन अपने फेस पे लगाएं और बहुत ही लाइट वेटेड सीरम है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि ऑयली है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप इस सीरम को ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरम कैसा लग रहा है। और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल की बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को देख पाए। एंड बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रहा है प्लीज़ उसे इग्नोर करें क्योंकि वो मेरे छोटा बेबी का वॉइस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।